दान पुण्य तो सारी दुनिया करती है, लेकिन कौन सी चीज किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में चढ़ाने से क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में अक्सर लोगों को कुछ नहीं पता होता। इसलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं कि किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में किस चीज को देने से क्या होता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं बृहस्पति ग्रह से। सबसे पहले ये जानेंगे कि धर्म स्थान जो भी मंदिर गुरुद्वारे में हमारी अपनी श्रद्धा जुड़ी होती है वो खाना नंबर 2 से देखा जाता है, यानी कि कुंडली का दूसरा घर जो कि पैसों का घर होता है और फाइनेंशियल बेनिफिट्स हर इंसान लेना चाहता है। दोस्तों जब हम मंदिर में केले दान करते हैं या चने की दाल दान करते हैं या फिर केसर दान करते हैं या फिर सोने की कोई चीज दान करते हैं तो वो सब चीजें बृहस्पति ग्रह के अंडर आती हैं। बृहस्पति हमारी ओवरऑल एक्सपेंशन का कारक होता है, चीजों को बढ़ाने का कारक होता है। और जैसे कि खाना नंबर 2 पैसों का घर है, पैसों का, दौलत का, शोहरत का घर है, तो धर्म स्थान में बृहस्पति की चीजें देने से हमारे परिवार की एक्सपेंशन होती है, परिवार की ग्रोथ होती है, हमारे पैसों का बढ़ोतरी करने का एक जरिया बन जाता है। यानी कि जब हम किसी भी मंदिर में बृहस्पति की चीजें दान करेंगे तो हमारे परिवार की ग्रोथ होगी, हमारे बच्चों का विद्या में ध्यान लगेगा, हमारा पैसों का जो सर्कल है, हमारी जो इनकमिंग है, हमारी जो बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। जब हम मंदिर में सूर्य की चीजें दान करते हैं, सूर्य की चीजें कौन सी होती हैं, गुड़ होता है, बाजरा होता है, जब हम तांबे की कोई चीज होती है, अक्सर लोग तांबे की मूर्तियां बनवा के मंदिर में दान कर देते हैं या तस्वीरें तांबे की दान कर देते हैं या फिर गुड़ गंदम बाजरा इस तरह की चीजें दान कर देते हैं, तो सूर्य का खाना नंबर 2 का फल मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कि ऐसे में जिन लोगों को सरकारी बेनिफिट्स होने हैं या सरकार से उनका जुड़ा हुआ पैसा है या फिर सरकार के साथ कनेक्टेड काम है, गवर्नमेंट जॉब है या फिर सरकारी कोई परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो सूर्य की चीजें मंदिर में दान करने से उसका बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है, उन चीजों से प्रॉप सरकारी मुसीबतों से राहत मिलती है और सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। जब हम मंदिर में चंद्रमा की चीजें दान करते हैं, चंद्रमा की चीजें कौन सी हैं, दूध है, चंद्रमा में चांदी आती है, अक्सर लोग दूध मंदिर में दान करते हैं, गुरुद्वारे में दान करते हैं, चांदी की तस्वीरें या मूर्तियां बना के धर्म स्थान में देते हैं, तो वो चीजें देने से, अब वो देनी कैसे हैं, एक तो होता है कि जाकर के आप शिवलिंग पर या किसी भी मूर्ति पर दूध चढ़ा देते हैं, एक होता है मंदिर के अंदर जाके पुजारी को दूध दे देना। तो इन दोनों में फर्क है, जब हम शिवलिंग पर या किसी भी और मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं तो वो आपने वहां के नेगेटिव चंद्रमा को वहां पर ही नष्ट कर दिया, यानी कि जो आपके लिक्विड कैश में प्रॉब्लम्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जब आप धर्मस्थान के अंदर पुजारी को दूध देते हैं ताकि वो आगे मुसाफिरों में, श्रद्धालुओं में बंटवा सकें, तो वहां पर वो चंद्रमा को स्थापित करना गिना जाता है। और जब आप कोई चांदी की तस्वीर या चांदी की कोई छतर या चांदी की कोई मूर्ति दान करते हैं जो कि मंदिर में स्थापित हो जाए, उसकी पूजा होती रहे, तो वहां पर वो चंद्रमा बहुत लंबे समय तक स्थिरता से उच्च के चंद्रमा का फल देना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका लिक्विड कैश बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके कुटुंब में, परिवार में पैसों की कमी नहीं रहती और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी जो डिप्रेशन की स्टेट है, आपका जो फीलिंग्स हैं उनका बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से धर्मस्थान में चंद्रमा की चीजें दान करने से इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की चीजें क्या हैं? शुक्र है देसी घी, आलू, उसके बाद कचालू, जिमीकंद, पनीर, और ये सब चीजें जब आप शुक्र की चीजें आप किसी भी धर्म स्थान में दान करते हैं तो आपके कुटुंब में, परिवार में लग्जरी की ग्रोथ होती है, आपकी परिवार का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके परिवार में लग्जरियस चीजें जैसे कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और लॉन, कोठी, कार, ये सब चीजों की इनकमिंग आनी शुरू हो जाती है। परमात्मा कृपा करते हैं आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल की चीजें हैं मिठाई और उसके साथ साथ किसी भी चीजों का लंगर बंटवाने का काम,
यानी जब आप लोगों के लिए धर्म स्थान के अंदर जाकर के खाने पीने का सामान दान करते हैं, मिठाई दान करते हैं, या फिर मंगल की कुछ और चीजें दान करते हैं, जैसे मूंगा हो गया, या फिर धर्म स्थान के अंदर कोई भट्टी का काम या भट्टी डोनेट कर देते हैं कुछ लोग लंगर के लिए, इस तरह की चीजें जब आप मंदिर में मंगल की चीजें दान करते हैं तो आपके कुटुंब परिवार में मंगल कार्य होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही या जिन लोगों के घर में कोई भी शादी करने के पहले या कोई भी सेलिब्रेशन करने से पहले प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन लोगों को धर्म स्थान में मंगल की चीजें डोनेट कर देने से इन सब प्रॉब्लम्स से राहत मिलना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध की चीज होती है हरी मूंग साबुत दाल। बुध में किसी भी तरह की ग्रीनरी यानी कि हरी सब्जियां हो गई या फिर इस तरह की चीजें जब आप धर्म स्थान में दान करते हैं बुध के रिलेटेड, तो आपके कारोबार में ग्रोथ होती है। और शनि की चीजें भी बुध से कनेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि शनि की चीजें हैं चंदन की लकड़ी। जब आप धर्म स्थान में चंदन की लकड़ी या फिर बुध की आइटम्स दोनों डोनेट करते हैं तो ये दोनों चीजें आपके परिवार में कारोबार की ग्रोथ करते हैं। कारोबार से ही हर चीज आती है, इसलिए जो लोग मंदिर में चंदन की लकड़ी डोनेट करते हैं और उसके साथ साथ हरी सब्जियां डोनेट कर देते हैं, या धर्म स्थान में जब श्रद्धालुओं के लिए जब लंगर बंटवाने के लिए हरी सब्जियां डोनेट कर देते हैं, तो उस वक्त आपके परिवार में कारोबार की कोई भी कमी नहीं रहती। हर इंसान का कारोबार सेट रहता है और कारोबार इस हद तक सेट होना शुरू हो जाता है कि पुश्तों तक वही कारोबार चलता रहता है। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। पहले केतु की बात करूंगा। केतु की चीज होती है काले सफेद तिल, और राहु में आ जाते हैं मसाले। तो जब आप इन दोनों चीजों की धर्म स्थान में दान पुण्य करना शुरू करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपके कारोबार में, आपके पैसों में, आपके परिवार में जिस तरह की भी अड़चने, परेशानियां, दवाइयां और किसी भी प्रकार के मन मुटाव, कोल्ड वॉर्स, इस तरह के लड़ाई झगड़े, बंटवारे, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके फाइनेंशियल टर्म्स में, उन सब चीजों से आपको धीरे 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 राहत मिलनी शुरू हो जाती है। कारोबार बढ़ाने के लिए धर्म स्थान में सरसों के तेल भी लोग दान करते हैं और मसाले भी दान करते हैं। जिन लोगों का बहुत ज्यादा ब्लेम एलिगेशन लगते हैं उन लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि शिवलिंग पर जाकर के काले सफेद तिल अर्पण करके उसको पानी में दूध डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें, इससे हर तरह के ब्लेम एलिगेशंस से राहत मिलती है। तो अब आप जान पाए हैं कि आपको धर्म स्थान में कौन सी चीज डोनेट करने से किस तरह के फल मिलने हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को उन सब लोगों को शेयर करें ताकि जो लोग कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उनको पता हो कि क्या करने से क्या मिलेगा। बाकी आप सब लोग परमात्मा से जुड़े रहें, दाता पुरी करें।